तो स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आप देख रहे हैं दिव्यांग सहारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं, देखिए दिव्यांगों की पेंशन से रिलेटिव न्यूज़ निकल कर आई हुई अमर उजाला की न्यूज़ है 17 नवंबर 2024 की। काफ़ी दिव्यांग पेंशन लाभार्थी ऐसे हैं जिनकी पेंशन नहीं आई है और उनको यही पता है कि सिर्फ NPCI लिंक कराने से ही पेंशन आ जाएगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि NPCI लिंक कराने से ही पेंशन आएगी। कुछ पेंशन लाभार्थी ऐसे हैं जिनका आधार वेरिफिकेशन भी होना है। उनका आधार वेरिफिकेशन नहीं है जिस कारण उनकी पेंशन नहीं आ रही है और उनका NPCI लिंक है। देखिए यहाँ पे न्यूज़ निकल कर आई हुई है बस्ती ज़िले की, दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थियों को NPCI मैपर की प्रक्रिया पूरी करनी होगी, साथ ही आधार कार्ड का सत्यापन करवाना होगा। यहाँ पर दिया गया है, देखिए आधार कार्ड का सत्यापन भी करवाना होगा, तभी इस माह में जारी होने वाली त्रैमासिक यानी तीसरी किस्त पेंशन लाभार्थियों के खाते में जा पाएगी। इसके लिए सभी को बैंक में अपना आधार कार्ड देकर NPCI मैपिंग कराना होगा और विकास भवन स्थित दिव्यांग कार्यालय में जाकर आधार कार्ड की फोटो कॉपी भेजकर सत्यापन कराना होगा। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थियों को अनुदान की द्वितीय त्रैमासिक किस्त अकाउंट बेस्ड पेमेंट के स्थान पर आधार बेस्ड पेमेंट प्रणाली से करेंगे। जिले में 13,635 दिव्यांगों को पेंशन मिल रही है। इसमें 1,881 दिव्यांगों के या तो आधार कार्ड का सत्यापन नहीं हो पाया है या NPCI मैपिंग नहीं कराई गई है। आधार कार्ड बेस्ड पेमेंट प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को अपने अपने बैंक खाते में NPCI मतलब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मैपर की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। इसका कारण यह है कि आधार बेस्ड पेमेंट में भुगतान सिर्फ NPCI मैप खाते में ही किया जा सकता है। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी श्री प्रकाश पांडे ने बताया कि सभी लाभार्थियों को बैंक पासबुक व आधार कार्ड से लिंक मोबाइल के साथ बैंक में जाकर NPCI मैपिंग कराना होगा। यानी जब आप NPCI लिंक कराते हैं तो आपको मोबाइल भी लेकर जाना है, यानी मोबाइल नंबर भी आपको लिंक कराना है, आधार कार्ड भी लिंक कराना है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पर। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड में बेल आइकन को भी दबा दें। इससे क्या होता है, जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिल जाएगी। दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।